है हमारा मैन फिजिक का प्लेयर जो कि आज सूरत गुजरात में जा रहा है पानी को तो लेते हुए प्यास लगते हुए और ये मीठी मीठी स्माइल पास करते हुए माता रानी का आशीर्वाद देते हुए टीका लगाते हुए ऐसे ही मेडल रहेगा। हाँ और ये कोशिश करेंगे हम हमारा आज का ऐसे मेडल रहेगा पूरी पूरी कोशिश करेंगे साथ में उनका साथ दे रहे हैं हमारे उनके बेस्ट फ्रेंड माननीय पिंटर जी हाय और आज इसी ट्रेन में हमारा सफर शुरू होगा। और प्रोटीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर प्रोटीन के ऊपर बात हो रही है आप क्या कहना चाहेंगे कमल जी प्रोटीन के बारे में? मुझे अभी तो फिलहाल 3,000 रुपए की आवश्यकता है वो मिल जाए तो मैं तो देखना बंद कर दिया जगह पर और साथ में बैठे हमारे माननीय पिंटर जी जो कि कह रहे हैं मैं पे करूंगा क्रेडिट कार्ड से पे तो कमल जी इन्होंने तो मना कर दिया है और मैं तो देख ही रहा साइड पर तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो इसमें हमारे साथ आप ही हैं जो आप ही हमारे हेल्प करेंगे ऐसा है मैं थोड़ा कैमरा बंद करता हूँ तो केदारनाथ पे केदारनाथ पे आपको खाने को ही मिला चाय और मैगी तो अच्छा आप केदारनाथ जाके खाली डोमिनोज ढूंढ रहे हो नहीं आप अच्छी बात है केदारनाथ गए अच्छी बात है खाने ढूंढा और डोमिनोज ढूंढा ये रोल मॉडल है और ये जा रहे हैं खेलने के लिए कंपटीशन मैन फिजिक और ये शेफ है डोमिनोज की बातें कर रहे हैं कहां तक पहुंचे खेत दूर दूर तक खेत धान की खेती बात चली थी बीघा पे हमारी कितने बीघा पे कितना कमा लेते हैं पिंटर जी बता रहे आपको हाँ पिंटर जी बीघा अगर हम 20 बीघा ले तो हम कितना कमा लेंगे 6 महीने में या साल में या फिर 1 महीने में अप्रोक्सली आप अगर 2 सेशन या 3 सेशन के लिए हम अगर काम करते अपने खेतों में तो सेशंस बताएंगे आप सेशन महीने के होते हैं साल के होते हैं इसमें अच्छा क्वार्टरली जो खेती जो होता है खेती में थोड़ा सा मतलब जमीन को खाली भी छोड़ा जाता है उसके कारण उसमें जो खाद होते हैं ना वो अच्छे से मिल जाता है ठीक है तो खाद की सबसे अच्छी चीज तो यह है जो खाद उत्पादन करती है अरे यार अभी तो खाद उत्पादन आया था तो दोस्तों और हम सूरत आ चुके हैं अपने एथलीट के साथ हम पहुंच चुके हैं सूरत एंट्री हो चुकी है हमारी माने दोस्त पिंटर जी जो कुछ है नहीं दिखा रहे हैं कोशिश पूरी है उनकी ले चुके हैं बाहर के लिए ये अपना रेलवे से टाइम ले चुके हैं परेशान होते हुए परेशानी किस कदर आपको उस समय अभी तो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है फिर अपने लिए रूम तलाशना है फिर थोड़ा वर्कआउट का भी जुगाड़ करना है हाँ पहले जिम ढूंढना है टेंशन्स भी हैं एथलीट के लिए पहले टेंशन है जिम और एक उसका रेशन हो जाए पहले होटल वोटल गया तेल ले सेंटर पे पहुंच जाए हमारी मंजिल है इसमें आपका कहना है क्या कहना है पिंटर जी मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पहली बार बारिश का आनंद ले रहे हैं और पकौड़े चाय हो जाए हैं इस बारिश में पकौड़े चाय हो जाए मजा आ जाए और ये 6 हो गए हैं और हमें यहाँ से निकलने में विलम्ब बारिश दबा के चल रही है सूरत में नीचे देख सकते हैं आप बहुत खतरनाक बारिश
और बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही ले रही। यहाँ ओए कर रहा है बंदा, देखो इतनी बढ़िया क्लास वाला ओए कर रहा है, लौंडा और हाथ ही ला रहा है और पता नहीं किसको ला रहा है। पूरी बारिश का माहौल बनता हुआ मौसम में, पूरी नमी ये देख सकते हैं पीछे लगातार वाईफाई जा रही है, देख सकते पूरा। हमारे एथलीट को दिक्कत होते हुए रजिस्ट्रेशन कराना है, 8 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे मैन फिजिक के। कहना है आपके आगे का तो अभी तो बारिश हो रही है, इस समय में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, टाइम है भी हमारे पास, बारिश उठने का इंतजार हो रहा है। एग्जीबिशन कितने स्टार्ट होगा? टाइमिंग ज़्यादा में बताया गया 8 बजे से 4 बजे तक का रजिस्ट्रेशन टाइम, पूरी हम पहुँच जाएंगे। और हुई बारिश बंद, निकल चुके हैं हमने सफ़र पे, और ये बात कमला पसंद की चलते हुए पिंटे से पूछा रहा है कमला पसंद खाओगे, और ये बैग में रखे डम्बलों से वर्कआउट करते हुए, और निकल चुके हैं सफ़र से। यहाँ से शुरू होता है अपना सफ़र, बारिश बंद। सही बता रहे कितने? 400 निकल चुके हैं हम सूरत रेलवे स्टेशन से, और ये सूरत एक बढ़िया सा शहर, क्लीन तो दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो एक कप चाय पी जाए यहाँ पर, कोहिनूर रेस्टोरेंट वालों की चाय पी के बताते हैं यहाँ की चाय है कैसी, दिल्ली से अच्छी है या दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छी है। चाय कितने की भैया? चाय कितने की दे रहा हूँ? 10 रुपये की चाय, दिल्ली ऐसी 10 रुपये की चाय, ठीक है, रेट में कोई दिक्कत नहीं। बाकी पी के बताते हैं, चाय तैयार है हमारी, चाय आ चुकी है, मैंने चाय बनाई है बढ़िया सी, अब देखेंगे पी के। टेक्सचर तो बढ़िया ही है। सर से पूछते हुए हम ग्राउंड कहाँ है सर, हमारी मदद कर रहे हैं, ग्राउंड कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो ये चाय पी तो बहुत अच्छा चाय है, और अंकल ने इतने पहले चाय बनाया है, आप आके जरूर टेस्ट करें। यहाँ पे सूरत में ये सूरत स्टेशन है ये सामने, और क्या नाम भैया, नाम क्या नाम बताइए अपना। भैया कह रहे हम नाम नहीं बताएंगे, खाली चाय पियेंगे और चाय पिलाएंगे। नाम पूछिए आपका। बब्बू पांडे। कौन? बब्बू पांडे। बब्बू पांडे नाम है इनका, चाय जरूर पीजिएगा इनकी। हाँ बढ़िया बनाते हैं। जी हम अब अपने सफर में निकल चुके हैं, अब आप इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? थोड़ी आप अभी इंग्लिश बोले थे कुछ, आपने कहा था इंग्लिश बोली थी अभी, मतलब अच्छी बोली थी, तो फ्लुएंसी में दोबारा सुनने को, मतलब पब्लिक भी सुने, हमारी जनता भी सुने। अच्छा पिंडा जी, ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताएं, थोड़ा अनुभव दीजिए पब्लिक को भी कि कुछ नए पैर मतलब पेड़ पता चले होंगे। नहीं ये तो आपने संस्कृत में वृक्ष बोला, हम हिंदी में बोलने जाते हैं जो हमारी मातृभाषा है। क्या बोलते हैं पेड़ पौधे बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया। और हमारा सफर शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं बस में, यहाँ ऑटो वाले 400 मांग रहे हैं सिर्फ 12 किलोमीटर के, तो इसलिए हम बस में जा रहे हैं। बस वाला यहाँ किराया ले रहा है 15 रुपये रिजॉर्ट का, तो वहीं हमारा सेंटर है, एग्जिट सेंटर है, वहीं जा रहे हैं, और सफर शुरू हो चुका है हमारा, देख सकते हैं आप। यहाँ भाई ने हमारे टिकट लेने के लिए मना कर दिया, कह रहे हम आपकी टिकट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम पे रैम खा रहे हैं भाई, रैम खा रहे हैं हम पे भाई, रैम खा रहे हैं भाई, कह रहे हैं हम आपकी टिकट नहीं लेंगे, तो बढ़िया है। हाँ तो हम कहा रहे पिंडे जी, आप अपना कंपनी में जाओगे अमेरिका की, वहाँ हमने रिज्यूमे दिया और आपका इंटरव्यू हुआ, तो आप इंटरव्यू में हम वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या बोलेंगे? आप जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एक्चुअली वेरी वेरी व्हाट्सएप, वेरी वेरी कुछ नहीं, ये सस्ते रजनीकांत
ये सुहाना सफर शुरू हो चुका है, खिड़की दिखा रहे हैं आपको। और ये गोरी गोरी मेरे ख्याल से फेमस का है, यहाँ पर फेमस है ये गोरी गोरी रेस्टोरेंट। गोरी गोरी तो कुछ दिखी नहीं यहाँ पर, सिर्फ रेस्टोरेंट दिखे गोरी गोरी। और तो चलते हुए सफर पे हम अपने बस के अंदर।